इस टनल के टनल में होते हुए आगे निकल रहे हैं, तो जस्ट अभी एक लोगों का मौत हुआ है इसी टनल में। तो आज दोस्तों हालत इतना बुरा तरीके से लोगों ख़राब है कि मैं क्या बताऊं। रास्ते में इस पहाड़ों के बीच में देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग फंसे हुए हैं, जो कि ये गाड़ी भी देख सकते हैं पंचर हो गई है। देख सकते हैं ये गाड़ी भी पंचर हो गई है और यहाँ पर। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका अपना MD आसिफ UP वाला स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का एक नए दिन, एक नए सफ़र, एक नए ब्लॉग में। सो दोस्तों अभी मैं हूँ श्रीनगर में लाल चौक के पास। तो आज का दोस्तों प्लान ये है कि आज का प्लान आप लोग जानेंगे तो चौक जाएंगे, इसलिए चौक जाएंगे कि आज हम ऐसी जगह जाने वाले हैं कि क्या मैं आपको बताऊँ। तो आज का प्लान दोस्तों ये है कि हम जाने वाले हैं घर, और आज कश्मीर को बाय बाय करते हैं और यहाँ से निकलते हैं घर। घर दोस्तों इसलिए जाने वाले हैं कि यहाँ पे मैं क्या बताऊँ आपको, इतनी तगड़ी ठंडी पड़ रही है कि हमारा हालत ख़राब हो गया है। आवाज़ मेरा आप लोगों को पता चल रहा होगा कि आवाज़ मेरा आज चेंज होगा, क्योंकि दोस्तों कल हम लोग गए थे गुलमर्ग, जो कि वहाँ पर इतनी तगड़ा स्नोफॉल हो रहा था कि हम लोग पूरा का पूरा बर्फ़ से भींग चुके थे और पूरा का पूरा बर्फ़ में ढक चुके थे। और यहाँ रात को आए तो समझ लीजिए सर्दी लग गई, आवाज़ भी चेंज हो गया। और आज दोस्तों रुकने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है यहाँ पर, अगर हम रुकें तो तबीयत ख़राब हो जाएगी, तो दिक्कत हो जाएगा। तो अभी दोस्तों हमारा प्लान बना है कि यहाँ से हम निकलते हैं मैं घर के लिए, मार्च या अप्रैल में फिर कश्मीर आया जाएगा, कश्मीर को एक्सप्लोर किया जाएगा। तो यहाँ से वीडियो करते हैं शुरुआत, लेकिन वीडियो शुरुआत करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने भाई MD आसिफ UP वाला को सपोर्ट करें। चलिए आज की इस वीडियो करते हैं शुरुआत। सो अभी दोस्तों मैं आ चुका हूँ श्रीनगर रेलवे स्टेशन। ये रहा दोस्तों श्रीनगर का रेलवे स्टेशन, जो कि इधर सीधे आना पड़ेगा आपको, यहाँ से जस्ट सामने श्रीनगर का रेलवे स्टेशन, और इस तरफ है बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड, जो कि यहाँ से आप गाड़ी पकड़ करके अब जा सकते हैं सिटी एरिया में, जो कि यहाँ का दोस्तों सिस्टम बहुत गड़बड़ है। जो कि अगर मान लो आप श्रीनगर लाल चौक में रुके हैं, वहाँ से आपको अगर श्रीनगर बस स्टैंड आना पड़ेगा, श्रीनगर रेलवे स्टेशन, तो वहाँ से आपको करीब 10 से 12 किलोमीटर है, लेकिन वहाँ से आपको दो से तीन गाड़ियाँ बदलना पड़ेगा। मतलब यहाँ कहीं किसी भी जगह पर आप जाइए, चाहे टूरिस्ट प्लेस हो चाहे रेलवे स्टेशन हो, डायरेक्ट गाड़ियाँ नहीं चलती है, आपको दो गाड़ियाँ बदलना पड़ेगा उसके बाद ही मिलेगा। तो फाइनली आ चुका हूँ श्रीनगर रेलवे स्टेशन, जो कि काफ़ी सुंदर बनाया गया है, देख सकते हैं। इस तरफ रहा अपना श्रीनगर रेलवे स्टेशन। तो यहाँ से हम लोगों को गाड़ी पकड़ना है बनिहाल के लिए, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट गाड़ियाँ कोई चलती नहीं है जम्मू कश्मीर से। तो बनिहाल, बनिहाल से उधमपुर, उधमपुर से फिर पकड़ेंगे दिल्ली या अपने UP के लिए कोई ट्रेन। चलिए अंदर देखते हैं कौन सी ट्रेन कितनी बजे है। सो अभी दोस्तों आ चुके हैं हम बनिहाल रेलवे स्टेशन, और यहाँ आने के बाद फंस चुके हैं हम लोग बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि यहाँ से जम्मू के लिए भी गाड़ी बंद है, उधमपुर के लिए गाड़ी बंद है। तो या तो हम लोगों को जम्मू जाना पड़ेगा या तो उधमपुर, दोनों के लिए बता रहे हैं सब कि आगे रास्ता बंद है। तो अभी हम लोग फंसे हुए हैं उधर बनिहाल रेलवे स्टेशन पे, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं मौसम कितना ख़राब है, इधर स्नोफॉल हो रहा है, बारिश भी हो रहा है, समझ लीजिए कि आज हालत ख़राब हम लोगों का हो गया है। देखते हैं कोई गाड़ी वगैरह मिलती है, या तो जम्मू के लिए मिलेंगी या तो उधमपुर के लिए, कहीं के लिए भी मिलेंगी तो पकड़ के निकलेंगे। अभी तो लोग बता रहे हैं कि कोई गाड़ियां है ही नहीं यहाँ से, और रास्ता भी बंद है आगे का, ना आप उधमपुर जा सकते हैं ना जम्मू जा सकते हैं। देखते हैं कोई गाड़ी मिलती है, वेट करते हैं, क्योंकि हम लोग श्रीनगर से ठंडी के वजह से निकले कि हम लोग चलेंगे घर पे, लेकिन यहाँ पर श्रीनगर से आए बनिहाल, और बनिहाल आने के बाद पता चला कि कोई गाड़ी है नहीं, ना जम्मू के लिए है ना उधमपुर के लिए है। और किसी तरह एक गाड़ी ने हम लोगों को आगे तक छोड़ने के लिए तैयार भी हुआ, लेकिन इस बीच रास्ते में इस पहाड़ों के बीच में देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग फंसे हुए हैं, जो कि ये गाड़ी भी देख सकते हैं पंचर हो गई है।
देख सकते हैं ये गाड़ी भी पंचर हो गई है और यहाँ पर हम लोग बहुत बुरे तरीके से फंसे हुए हैं इन पहाड़ों के बीच में। तो आगे भी बता रहे हैं लोग कि आगे पत्थर बर्फ स्नोफॉल बहुत तगड़ा हो रहा है, जिसके वजह से जम्मू और उधमपुर दोनों रास्ता बंद कर दिया गया है। और यहाँ देखते हैं क्या होता है, हम लोग निकल पाते हैं कि इधर ही रह जाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं, जो कि इन पहाड़ों के बीच में हमारी गाड़ी ये पंचर हो चुकी है। देख सकते हैं यहाँ का लोकेशन, ये हम लोग बनिहाल से कुछ दूरी पे आके रुके हुए हैं। अब यहाँ पर देखते हैं गाड़ी पंचर, ये बंदा स्टेपनी भी नहीं रखा हुआ है और हम लोगों को बीच में ला करके फंसा दिया। तो देखते हैं कोई अगर गाड़ी आती है तो फिर पकड़ते हैं, नहीं तो फिर यहाँ पे रुकना पड़ेगा, क्या होगा हमें भी कुछ पता नहीं है। तो बने रहें आप सभी लोग वीडियो में। तो गाड़ी मिली आने के बाद यहाँ पर, यहाँ से आगे गाड़ी जा नहीं रही है, यहाँ पे फिर से हम लोग फंस गए। मतलब आज का दिन जो है बड़ा बुरा जा रहा है, देख सकते हैं अभी कहाँ फंसे हुए हैं हम। ये देखिए सारे के सारे गाड़ियाँ जो है बंद हो चुकी है यहाँ पे। आगे जो इन पहाड़ों पर से देख रहे हैं ना, इन पहाड़ों पर से दोस्तों बड़ा बड़ा पत्थर गिर रहा है, जिसके वजह से गाड़ियाँ कोई भी आगे नहीं जा रही हैं। हम लोग भी फंसे हुए हैं, देख सकते हैं यहाँ पर कितना भयानक एरिया है, यहाँ पे हम लोग फंसे हुए हैं। तो दोस्तों गाड़ी न मिलने के वजह से आज हम लोगों को बहुत परेशानी हो रहा है, जो कि हम लोग निकल भी गए, आगे बनिहाल से 10-15 किलोमीटर दूर आके फंसे हुए हैं। कैसे कैसे रास्तों से देख सकते हैं जाना पड़ रहा है हम लोगों को। तो आज तो आज की हालात की के बारे में तो क्या बताऊं आप लोगों को। में काम चल रहा है, ये टनल बन रहा है पहाड़ी में, जो कि बनिहाल से 20 से 30 किलोमीटर दूरी में ये टनल बन रहा है। इस टनल में से हम लोग आगे जा रहे हैं, जो कि इसी टनल में अभी जस्ट हमारे सामने ही एक लड़का के मौत हो गया, जो कि इस टनल के उस पार गाड़ियां सभी बंद हो गई हैं, कोई आगे नहीं जा रहा है। और ये सभी जो जितने भी सवारियां थे इस टनल के टनल में होते हुए आगे निकल रहे हैं, तो जस्ट अभी एक लोगों का मौत हुआ है इसी टनल में। तो आज दोस्तों हालत इतना बुरा तरीके से हम लोगों को ख़राब है कि मैं क्या बताऊँ। आगे चलते हैं, देखते हैं कहाँ हम लोगों को गाड़ियाँ मिलती है। देख सकते हैं दोस्तों इस टनल से हम लोग पार हो रहे हैं पैदल, जो कि इस टनल का अभी काम चल रहा है और इसमें अभी आगे एक बंदे का मौत हो गया है, डेथ कर गया वो इसी टनल में। जितने भी लोग रुके हुए थे सभी आज तो अभी दोस्तों इस टनल को क्या बोले, हाय भाई इस बढ़िया यूपी हाँ। तो अभी दोस्तों इस टनल को हम लोग पार किए किसी तरह, जिसे बोला जाता है ये मौत का कुआं। आज उस चीज़ को और मौत को नज़दीक से देखने का मौका मिला, इतना नज़दीक से ऑन द स्पॉट बंदे का मौत हुआ इस टनल के अंदर मेरे बगल में। मैं क्या बताऊँ, अभी इस टनल को पार किए, पार करने के बाद एक और बाधा हम लोगों के सामने आ गई। ये देख सकते हैं कुछ दिख ही नहीं रहा है इस रोड पे, जो कि आज बहुत बुरी तरीके से हम लोग फंसे हुए हैं, क्योंकि ये बनिहाल टू जम्मू वाला जो ये रोड है ना, इतना ख़तरनाक रोड है कि मैं आपको क्या बताऊं। पहाड़ों पर से बड़ा बड़ा पत्थर धाएँ धाएँ नीचे गिर रहा है और सारी गाड़ियां देखो ये सब रुकी हुई है, कोई गाड़ी आगे नहीं जा रही है। करीब 3-4 किलोमीटर हम लोग पैदल चले, टनल को पार किए, टनल को पार करने में ये देख सकते हैं हमारे गोड़ पैर का क्या हाल है, क्योंकि स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है हम लोगों का। ये देख सकते हैं, ये देखिए कितना बुरा मंज़र है ना यहाँ का, इतना भयानक मंज़र। 150 किलोमीटर जम्मू हम लोगों को जाना है, देखते हैं गाड़ी कहाँ से हम लोगों को मिलती है।
सो अभी दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं उधमपुर। बड़ी मुश्किल से यहाँ पर आज पहुँचे हैं। ये तो हमें लगता था जहाँ तक ऐसा रास्ता था, ऐसा मौसम था बनिहाल से उधमपुर का, जम्मू तक का, मैं क्या बताऊँ आपको, इतना बुरा कोहरा, पत्थर गिर रहा था पहाड़ों पर से, मौसम इतना ख़राब था कि मैं क्या बताऊँ, पूरा रोड का जाम हो गया था। और ये भी है कि अगर आज हम लोग निकल लिए हैं तो सबसे बढ़िया, क्योंकि आज मौसम ख़राब हुआ है तो ये मौसम, लोग बताते हैं कि अगर मौसम ख़राब हो गया तो करीब 7 से 8 दिनों तक रास्ता बंद रहता है जम्मू से श्रीनगर का। तो आज फाइनली किसी तरह हम लोग निकले, लेकिन बहुत रास्ते में मुश्किल हुआ निकले, और फाइनली आज 8 बजे, रात को 8 बज रहे हैं, 8 बजे हम लोग 10 बजे का निकले हुए हैं श्रीनगर से, और रात को 8 बजे हम लोग यहाँ पर पहुँचे। तो अभी आ चुके हैं दोस्तों उधमपुर, और यहाँ से हम लोगों को ट्रेन पकड़ना है दिल्ली के लिए। तो निकलते हैं सीधे दिल्ली के लिए, क्योंकि ये सफ़र आज का बहुत ख़तरनाक रहा, डेंजरस रहा, और रास्ते में एक लोगों का मौत भी हुआ क्योंकि जाम हो गया था रास्ता, पत्थर गिरने की वजह से, पहाड़ों से पत्थर गिर रहा था उसके वजह से जाम हो गया था, और वो टनल बन रहा था जो कि वो टनल में अंदर काम लगा था, उसी के अंदर सारे यात्री जो आ रहे थे जम्मू के लिए, सभी लोग उसी टनल के अंदर से घुस कर भागने लगे, और एक बंदा उसी टनल में काम चल रहा था, वायर पकड़ लिया, और वायर पकड़ते ही तुरंत उसका मौत हो गया वहीं पर, जस्ट मेरे आगे ही था बंदा। अब समझ लीजिए कि आज मौत जो है ना, उसे बहुत करीब से हम लोगों ने देखा है। तो आज का जो सफ़र था दोस्तों बहुत मुश्किल था। अब तो 8:21 पर हमारी ट्रेन है जो कि उधमपुर से डायरेक्ट दिल्ली के लिए, जो कि हमारा प्लान था जम्मू से पकड़ने का डायरेक्ट मुगलसराय के लिए, लेकिन वहाँ पर हम लोगों को आने में लेट हो गया। उधमपुर से करीब 60 से 65 किलोमीटर दूर है जम्मू, उधमपुर से जम्मू 60 से 65 किलोमीटर है, तो उतना जाने में हम लोगों को वो ट्रेन छूट जाती है, इसीलिए हम लोग उधमपुर आ गए हैं, उधमपुर से दिल्ली, दिल्ली से फिर हम निकल जाएंगे घर के लिए। तो अभी ट्रेन हमारी 8:21 पे है उधमपुर टू दिल्ली के लिए, तो वेट करते हैं। 8:21 करीब 8 बज रहा है, 8:21 पे है, तो बने रहे आप सभी लोग वीडियो, मिलते हैं सीधे ट्रेन में बैठने के बाद। तो फाइनली मैं आ चुका हूँ दिल्ली, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, जो कि ये रहा न्यू दिल्ली का रेलवे स्टेशन, जो कि सुबह सुबह 7 बजे हम लोग यहाँ पे आ चुके थे। और आज का जो सफ़र था वो क्या हम बताएं आपको, वो वीडियो आप लोग देखे होंगे कैसा सफ़र था। आज का जो सफ़र था शानदार भी था, ज़बरदस्त भी था, और कठिन भी था। तो ऐसा, क्योंकि हम लोगों को समझ लीजिए कि इतना मुश्किल हुआ बनिहाल से उधमपुर आने के लिए, मैं क्या बताऊँ आपको, पैदल चलना पड़ रहा था 4-4 किलो 5-5 किलोमीटर, टनल था, टनल में से पार होना पड़ता था क्योंकि पूरा का पूरा रास्ता बंद था, पत्थर गिर रहा था बड़ा बड़ा। तो किसी तरह फाइनली हम लोग जान बचाते हुए उधमपुर रेलवे स्टेशन आए, वहाँ से रात को करीब 8 से 9 बजे करीब ट्रेन था हम लोगों का उधमपुर से न्यू दिल्ली का, फाइनली दिल्ली आ चुके हैं। ये था दोस्तों हमारा श्रीनगर से जम्मू, जम्मू से दिल्ली उधमपुर न्यू दिल्ली का सफ़र का वीडियो, जो कि मैं आ चुका हूँ, और आज का जो प्लान है ये सोच रहा हूँ दिल्ली रुकूँ और शाम को रात वाली ट्रेन पकड़ के डायरेक्ट घर निकल जाऊँ, जो कि मुझे काम भी है, तो 1-2 दिन काम है, 2 दिन घर रहूँगा, फिर उसके बाद मेरा प्लान है मुंबई निकलने के लिए। देखते हैं कहाँ के लिए निकलेंगे। तो ये था दोस्तों सफ़र का वीडियो, तो चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने भाई MD आसिफ UP वाला को सपोर्ट करें। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, जय हिंद, खुदा हाफिज़, बाय बाय।